हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से एनालिसिस करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी करेक्शन थी। मैं आपका कल यहाँ पे महीने के एंड का चार्ट देख रहा था कि आपकी जो लास्ट एक्सपायरी होती है महीने की, उसमें होता क्या था, आपकी बैंक निफ्टी का डेट हमेशा अगले दिन होता था। तो मैंने गलती से वो वाला चार्ट देख के थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर दिया था कल। बट एनी वेज, मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरीके से हमारी आज एक्सपायरी थी यहाँ पर निफ्टी की, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार ठीक है, एक तो मेरे को याद है कि सेकेंड हाफ में आपके बिल्कुल प्रीमियम तो बिल्कुल इनसे सर स्ट्रैडल में ही प्रीमियम थे, उसके अलावा आपके स्ट्रैंगल बैंगल में तो प्रीमियम खत्म हो गया था 2 बजे के बाद। बट कीपिंग दैट इन माइंड, यहाँ पे आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो कि हुआ क्या था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने एक बात की थी वीडियो के अंदर कि जब आपका ये वाला जोन टूटेगा, हमने यहाँ पे लेवल बनाया था नीचे 919 वाला, कि ये वाला जोन है, इसके जब बाहर निकलेगी मार्केट तब आप बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट करोगे। तो वहाँ पे ये कि यहाँ पे हो क्या सकता है कि ठीक है, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे भी अगर आप 849 इसके लेवल पे भी शॉर्ट करते हैं, आपको अच्छा खासा यहाँ पे भी आपको 100 पॉइंट के आसपास तक की मूव मिली है। ठीक है, दैट इज़ नॉट बैड कंसिडरिंग कि ये जो ब्रेकआउट की कैंडल थी इतनी बड़ी थी, उसके बाद भी आपको 100 पॉइंट का एक सिंपल सा मोमेंटम मिला है, तो वो तो ठीक है। पहली चीज़ ये है। सेकंड पॉइंट है कि हमारा जोन तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ऑब्वियसली स्ट्रैंगल तो आपने यहाँ पे करना नहीं है। जैसे ही बोला था कि जोन नीचे ब्रेक होगा तो आपको लंबा शॉर्ट की तरफ जाओगे, ऊपर की साइड अगर ये जोन ब्रेक होगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग की तरफ जाओगे, ये तो हुआ नहीं। बेसिकली आपका शॉर्ट की साइड का एग्जीक्यूट हो गया इस पॉइंट पे, और ये चीज़ यहाँ पे होगी। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेली के टाइम फ्रेम पे खोलो और सबसे पहले एनालिसिस करो होता क्या है। ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना है, आपको हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, किस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स का ये जो पैटर्न है मिल सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखो कि ये वाला जो पहला वाला हाई है वो सेकंड वाले हाई से ऊपर है, तो इसका मतलब है जो सेकंड वाला हाई है, सेकंड वाला जो शोल्डर आपका वो नीचे है, तो ये आपका प्रॉपर हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ये वाली चीज़ ऊपर है, ये वाली चीज़ नीचे है। ठीक है, यहाँ पे इसकी नेकलाइन कहाँ पे आती है, नेकलाइन के लिए भी हम यहाँ पे जोन बना सकते हो, लाइन बना सकते हो, दोनों ऑप्शन होते हैं। जिसको लाइन बनानी है, लाइन बनाने के लिए पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ और फिर मैं ये डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आपको यहाँ पे बड़ा सिंपल दिख रहा हो, ये भी डिलीट कर दो। एक्चुअली इसको क्लियर ऑल ही मार देते हैं सारी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे बना हुआ है, इसके लिए हमारी जो नेकलाइन बनती है, नेकलाइन यूजुअली हमारा जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है बायर्स का, उस पॉइंट बनती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे लाइन मारोगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बनाओगे, और यहाँ पे जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है मैग्नेट ऑन करो, और ये जो विक है यहाँ पे आप इसको मार्क कर दो। तो आपका बेसिकली लेवल आता है 694 का। तो 694 के नीचे आपको एक 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी, तो वहाँ पे आपको शॉर्ट करना है इंट्राडे के अंदर। नंबर वन पॉइंट ये है, क्योंकि तब आपका हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकडाउन तब शुरू होगा 694 के नीचे। 15 मिनट की कैंडल इंट्राडे बंद होएगी, तब आप शॉर्ट करना। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे जोन बनाना है, जोन मैं कैसे बनाता हूँ, रेक्टेंगल निकालो, ठीक है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट से शुरू करो, सबसे यहाँ पे अच्छी वाली जो बाइंग है वो बंद कर दो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी ये होती है। तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बेसिकली दिख क्या रहा है कि इस वाले जो जोन में है, इस वाले जोन ने हमारा ये भी टच किया और ये भी टच किया, तो हमारी नेकलाइन और नेकलाइन का जोन तो हो गया। अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो मुझे ये दिखता है कि यहाँ पे इस एरिया पे आपकी सपोर्ट और बाइंग यहाँ पे अच्छी खासी है, बिकॉज यहाँ पे आपका हाई वॉल्यूम एरिया होता है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा इसने डबल बॉटम बनाने का ट्राई किया, यहाँ पे भी मार्केट इस वाले जोन में, जो बेसिकली आपका 800 से लेकर बिल्कुल 694 का जोन होता है, इसको आपको बड़ा ध्यान से याद रखना है, बिकॉज यहाँ पे ये मार्केट आप देख सकते हो कितना इसके अंदर हाई वॉल्यूम किया था, उसके बाद सीधा यहाँ पे बिल्कुल गैप डाउन इतनी बड़ी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो आपका ये जो लेवल होता है, यहाँ पे जो 694 वाला हमने लेवल बनाया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इसके नीचे आपको 15 मिनट की कैंडल मिलती है, यहाँ पे निफ्टी फिर आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉपर लंबे वाले शॉर्ट में आ जाएगा, बिकॉज फिर आपका हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, और यहाँ से फिर मार्केट आपकी अच्छी खासी करेक्ट करने वाली है, वो चीज़ आपकी कंफर्म्ड है। ठीक है, अगर ये चीज़ कंफर्म होती है कि इसके नीचे ब्रेकडाउन मिलता है, ये गिरेगा। और यहाँ पे रीटेस्ट कहाँ पे होगा, रीटेस्ट इसी जोन पे होगा, वो आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे आप फिर से एक ब्रश निकालो अपना, और अपना यहाँ पे देखोगे कि ये चीज़ ब्रेकडाउन होगी, तो रीटेस्ट करने के लिए जब मार्केट आएगी इस वाले जोन पे आएगी 700-800 के बीच में, बिकॉज आपका रीटेस्ट का लेवल प्राइस एक्शन के हिसाब से यही बनता है जो आप सामने देख सकते हो, जो हमने बनाया है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको एक और देखने की, निफ्टी में ऑब्वियसली आपको कोई सेक्टर होता है जो ड्रैग करता है नीचे, हमारा यहाँ पे CNX ऑटो नाम का जो सेक्टर है उसने बहुत बड़ा ड्रैग किया है, बेसिकली पूरा का पूरा अंदर आ गया। हमने यहाँ पे देखा था कि रीटेस्ट है, यहाँ पे भी ये चीज़ चली नहीं है, तो आपको पता है कि ये चीज़ भी आपकी फेल हो गई है ब्रेकआउट, CNX ऑटो भी आपका वापस आ गया, इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, आपको ये भी चीज़ याद रखनी है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर देखोगे, बैंक निफ्टी अगर खोलोगे, बैंक निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है, बैंक निफ्टी में भी वीकनेस स्टार्ट होगी, वीकनेस अभी स्टार्ट हुई नहीं है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे देखो इसने ट्रेंड लाइन जो हमने छोटी सी बनाई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसने उसको ब्रेक किया, बेसिकली आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे बनाया भी था, पहली कैंडल के अंदर ही आज ब्रेक हुई थी। हमने कहा था कि यार यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता तो क्या करना है, नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता तो क्या करना है। इवन दो इसकी एक्सपायरी नहीं थी आज, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ सीधा शूटिंग स्टार मिली है गैप के अंदर, तब भी शॉर्ट करोगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ पहली कैंडल तब भी शॉर्ट करोगे, सेकंड कैंडल से बेसिकली आपका इंडेक्स शॉर्ट के अंदर ही था। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देखना है
कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी जिस एरिया पे आपका थोड़ा सा सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है, बैंक निफ्टी क्या करेगा, बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे आके यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ऐसे होते हैं, फिर मार्केट नीचे जाती है, थोड़ा एरिया पे सपोर्ट लेती है और फिर वापस आती है, एक रीटेस्ट करती है, फिर और नीचे जाती है अगर इसको तोड़ना होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर बैंक निफ्टी आपका कल जाके ये वाला जो आपका सपोर्ट एरिया इस पोर्शन पे सारा बन रहा है, इस पोर्शन पे मतलब 51,700 के लेवल्स के आप आसपास आके यहाँ पे आपको एक शॉर्ट की ट्रेड मिले, तो यहाँ पे बहुत अच्छा शॉर्ट करना, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ आपकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपका बैंक निफ्टी ने ये चीज़ ब्रेकडाउन अगर दी है यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद, यूजुअली थोड़ी सी बाइंग आने के चक्कर में आपका थोड़ी सी इस टाइप की विक भी बन सकती है, जहाँ तक आपकी मार्केट थोड़ा इस पोर्शन तक आ जाए आपका 300-400 पॉइंट ऊपर एटलीस्ट यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है बिफोर यू गो इन टू द मार्केट्स टू ट्रेड फॉर फ्राइडे टुमारो। और इसमें से हो सकता है कि सारी की सारी चीज़ें कल फ्राइडे को एग्जीक्यूट ना हो, तो हो सकता है आपका मंडे ट्यूजडे भी कंटिन्यूएशन हो जाए, जो चीज़ हम वीकेंड पे वीडियो डालेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।